हेलो दोस्तों, कई बार आप विंडोज़ 10 में यहाँ पर आप चाहते हैं कि एनालॉग क्लॉक आ जाए, ये इस क्लॉक से आप बोर हो चुके हैं। बात तो सही है। आप चाहते हैं आप एनालॉग क्लॉक यहाँ पर लग जाए विंडोज़ के पुराने वर्जन में, विंडोज़ 7 में, विंडोज़ 8 में और विंडोज़ 10 के पुराने वर्जन में भी आपको एनालॉग क्लॉक का एक ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन विंडोज़ 10 के न्यू वर्जन में आपको एनालॉग क्लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता और विंडोज़ 11 में भी आपको एनालॉग क्लॉक का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। तो आप इसे किस तरह से ऐड करेंगे, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बताना बताना भाई 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 मेरा भाई तो सुन के बताना क्या भाई, करेगा प्लीज यार, प्लीज तो प्लीज क्या बताना करेगा। मेरा बताना अच्छा, बताना। तो वही स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने लैपटॉप का या अपने पीसी का, अपनी विंडोज़ का यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पर आपने वेबसाइट टाइप करनी है, 8gadgetpack.net। तो आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है। अच्छा तो आप जैसे इस वेबसाइट पर जाते हैं तो इसका बहुत ही सिंपल इंटरफेस है और ये वेबसाइट सिर्फ उसी इन्हीं गैजेट्स के लिए बनी है जो कि आपको पुरानी विंडोज़ के वर्जन में मिल जाते थे। तो आपने यहाँ पर आपको फ़ौरन से यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये वेबसाइट इसीलिए है क्योंकि कई बार हमें वो पुराने गैजेट्स, वो पुरानी एनालॉग क्लॉक चाहिए होती है, तो हम इस वेबसाइट से आकर इसी को डाउनलोड कर लेते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई गलत चीज़ है। तो आपने यहाँ पर आके डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। वैसे मैंने इस को पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो ये 27 MB का एक छोटा सा एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे यहीं से ओपन कर लेता हूँ। इस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। वैसे ये आपको डाउनलोड के फोल्डर में भी मिल जाएगा, वहाँ पर ये सीधा वहीं पर ही जाता है। तो यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल इसका सिंपल इंस्टॉलेशन है। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाए तो आपने फिनिश पर क्लिक करना है और फिर ये आपका तमाम सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये क्लॉक, ये आपका वेदर, ये वैसे ये चले जाएंगे, यानी कि अगर आप कहीं पर क्लिक करते हैं तो ये वेदर चला जाता है और जैसे आप डेस्कटॉप पर जाते हैं ये पहले से मौजूद है, डेस्कटॉप से ये कभी भी नहीं हटता। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो दोस्तों, इस तरह से आप एनालॉग क्लॉक को विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप पर ऐड कर सकते हैं जो कि विंडोज़ 7 में था, विंडोज़ 8 में था और विंडोज़ 10 के पुराने वर्जन में भी था। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हमारे किसी ऐसी मौज यूज वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।